सब ये करते हैं। एक गरीब और लाचार युवती की दोनों की दुनिया खराब हो जाने से युवती को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्योतिष का काम करने वाले इसके पिता द्वारा इसके इलाज में 40,000 रुपए खर्च कर दिए जाने के बाद बेबस पिता भी इसका और इलाज करवाने में असक्षम है। ऐसे में इस बेबस युवती को अपनी जिंदगी बचाने के लिए भामा शाहों का इंतजार है। सरकारी मदद भी इसे लाचार से कोसों दूर है। तारा कुमारी नाम की इस युवती के चेहरे पर दिखाई दे रही बेबसी की लकीरें किसी भामाशाह का इंतजार कर रही है। दोनों किडनियों के खराब हो जाने से डॉक्टरों ने इसे किसी बड़े सर्जन से इलाज कराने की जरूरत बताई है। इसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। इसी सदमे के साथ यह परिवार इधर से उधर भटक रहा है। यह परिवार उदयपुर के रामनगर पुराना कच्ची बस्ती में रहने वाले हैं। इसके पिता का नाम तुलसीदास रंगास्वामी है। महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में गुरुवार को किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश बड़जातिया से परामर्श के बाद 91 की टीम से मुलाकात होने पर हमने इस परिवार की मदद करने में सक्षम लोगों से एक अपील खुद इस युवती से करवाई है। हाथ बढ़ाकर इस परिवार की मदद कीजिए ताकि यह अपना इलाज करा सके। परिवार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गोविंद लाल और भी इस परिवार को हर सहायता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। युवती की अपील आप भी सुन लीजिए। मेरे दोनों गुर्दे खराब है, आप मेरी मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो। बेबस युवती के पिता के मुताबिक अप्रैल 2017 में तारा कुमारी सुखाड़े सर्कल के पास निर्माण कार्य के दौरान बंधुआ श्रमिक के रूप में काम करती हुई छुड़वाई गई थी, जिस पर कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट गिरवा उदयपुर द्वारा बंधुआ प्रमाण पत्र तथा तत्काल 20,000 की राशि प्रदान की गई थी। वह राशि भी इलाज में पिता ने खर्च कर दी। अब इस परिवार में कोई भी आय का स्रोत नहीं है, न ही कोई मदद करने वाला है। मेरी बेटी का नाम तारा है और इसके कोई ऐसी तकलीफ हुई है, फिर हमने जांच कराते लास्ट की टाइम में सब डॉक्टर लोगों ने ये बताया कि इनके किडनी के अंदर कोई तकलीफ है। अब ऐसे ये मालूम नहीं किडनी बताया उन्होंने, इनके बाद में क्या हुआ, 30-40 हज़ार रुपये थे वो सर हमने लगा थी, अब हमारे पास पैसे नहीं। और ये लड़की इन महकमे में काम करती थी, अब मैं वहाँ जाऊँ तो भी पैसे नहीं मेरे पास। फिर किसी ने कहा कि तुम जाओ इन महकमे में, फिर इन महकमे में गए और इन महकमे ने लेकर के हमारी थोड़ी मदद करी और मदद करने से ये यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचाया सर। खर्चा तो क्या, अब मेरे को तो किडनी का तो कोई मालूम ही नहीं, खर्चा तो नहीं। अभी डॉक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने लेकर के कहा जयपुर जाना पड़ेगा। अब जयपुर कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे, क्या खर्चा है पता नहीं। ये मजदूर है क्योंकि इसकी माँ नहीं है, 4-5 साल पे इसकी माँ की गुजर गई थी, 5-6 महीने पे कोई गलत दवाई ले ली थी जिसके कारण किडनी पे इफेक्ट आया और इसकी जो किडनी है वो दोनों ही खराब हो गई। आज डॉक्टर मुकेश बड़जात्या के वार्ड में हम गए, बालिका को लेके गए, बात की तो बड़जात्या ने, डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही कि इसका इलाज अहमदाबाद या जयपुर में हो सकता है जिसमें लाखों का खर्चे, और उन्होंने यही कहा कि इसको जल्दी से जल्दी इलाज कराओगे तो ये बालिका जो है बच सकती है। एक बार इसको इलाज के लिए ले जाया जाए, गुर्दा ट्रांसप्लांट करना वो बात की बात है, एक बार तुरंत इसको इलाज की आवश्यकता है ताकि कैसे भी करके इसके गुर्दे को जो है थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट है तो इसको बचाया जा सके। अगर आप इस बेबस युवती की मदद करना चाहते हैं तो इसके पिता के मोबाइल नंबर पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं। युवती के पिता का मोबाइल नंबर है 7878542881। पांड्रवा थाना क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार पिछले 4 महीने से लापता एक 14